एक और है भाई, कारगिल युद्ध में एक फौजी भाई था, 19 साल का था वो, एक महीने की छुट्टी आया था भाई। तो 4 दिन हुए थे शादी ने, फिर उसका लेटर आ गया था इमरजेंसी में भाई, उसको ड्यूटी पर चढ़ना पड़ गया। तो वो जब शहीद हुआ है तो अपनी पत्नी के लिए, अपने पत्नी परिवार के लिए, माँ बहन के लिए कैसे क्या लिखा है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी था भाई पास में, तो थोड़ा गौर से सुनियो भाई, समझियो जज्बातन। बोले अरे फौजी ने लिखी चिट्ठी पत्नी की याद में, अरे के डाक लेकर लेट गांव में आया था, अरे के चिट्ठी तो पहला मेरे भाई वो फौजी शहीद हो गए तिरंगे लिमिटर करा आया था। कुछ दिन बाद वह चिट्ठी आई, जब भाई कुछ दिन बाद वह चिट्ठी आई, उसकी पत्नी ने खोली तो के लिखा था उसमें, सबसे पहले अपनी पत्नी के लिए दो बोल रखे थे उसने लाइन, तो क्या लिखा था उसमें, बोला यूं तो तेरे इश्क पर मेरी जिंदगी भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर मेरी जिंदगी भी कुर्बान है, और माफ कर दिया मैंने मेरी दिया अदांगनी, मेरे खातर धरती माँ सबसे पहला मेरी जान है। तो भाई उसके बाद दो बोल माँ के लिए लिख दिए, माँ तेरा बेटा भी युद्ध में घायल होया है, माँ तेरा बेटा भी युद्ध में घायल होया है, और देख तेरी बेटे की वीरता दुश्मन भी कायर होया है, और युद्ध करते करते जिस खून से मैं लाल हो रहा हूँ उसी खून से माँ तुझे मैं चिट्ठी आखिरी अंतिम लिख रहा हूँ, और युद्ध है भयंकर मानना मैं पीछे हटा हूँ, और अपनी मात दी शपथ आज मैं पूरी कर रहा हूँ, एक गोली मेरी छाती में कुछ देर पहले लगी है, और माँ तेरे तो जो कसम दी थी मैंने आज वह पूरी की है। दुश्मन भी बोल पड़ा, बोले रे दुश्मन भी बोल पड़ा, जब जवान शहीद यो होया था कोई आम फौजी को ना मेरे भाई, एक शेरणी माँ की कोख एक शेर पैदा होया था। नूना सोचिए माँ, नूना सोचिए माँ, मैं चैन की नींद सो जाऊँगा, दोबारा तेरी कोख से जन्म लेकर तेरा बेटा बनकर आऊँगा। वो पिता, फिर पिता के लिए दो बोले भाई गौर करिएगा, बोला वो पिता के खुश नसीब और के बदनसीब है, वो पिता के खुश नसीब है और के बदनसीब है जो अपने बेटे की अर्थी को कंधा देवा है, और इतना दुख दर्द कोई नहीं सह सकता मेरे भाई जितना जीते जी एक पिता सोवे है। जितनी भारी लागा है, सुनिएगा भाई गौर से, बोला रे जितनी भारी लागा है या शेष नाग न धरती, उतनी भारी लागी थी रे जब एक पिता ने ठाई अपने बेटे की अर्थी। फिर बेटा बाप तक है, बोला बाबू मैं तो बचपन में तेरे तक घना दुख दर्द दिया था, अरे बैठा तना अपने कंधे बस सारी दुनिया समान जान दिखाया था, बाप तू क्या करता? बोला बाबू तू सदा क्या करता, बेटा तना इन कारण चुकाना पड़ेगा, अरे एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मरूंगा, जब तना अपने कंधा पर मैं शमशान में ले जाना पड़ेगा। एक बाबू अपने कंधा तक बोझ कम कर ना पाया, समझिएगा भाई, बोला एक बाबू अपने कंधा तक बोझ कम कर ना पाया, अरे बेटा बोला माफ कर दिया बाबू मैं तेरा यो फर्ज न बना पाया। बाबू का सवाल बेटे ने भीतर भीतर आज खा रहा है, बोला रे बाबू का सवाल बेटे ने आज भीतर भीतर खा रहा है, अरे के बताऊँ मेरे भाई आज एक फौजी भाई अपने बाबू के कंधा पे शमशान में जा रहा है। एक छोटा भाई था भाई, उसके लिए दो बोल लिखे, बोला रे युद्ध मेरा जारी था, युद्ध मेरा जारी था, ऐसा लग गया मेरी किस्मत सी रूठ गई भाई रे, दुश्मन की गोली आके मेरे कंधे में लग गई, अरे मेरी सा हो गया जुनू एक मेरी बाजू टूट गई, रुक क्या कोना मैंने फिर भी गोली चलाई, अरे सच बताऊं तो छोटे भाई उस टाइम मैंने तेरी घनी याद आई, मैं तने अपनी बात आकाश नहीं दे सकता पर मैं लौट के मैं आऊँगा, अरे तू इस बात रख अपने बड़े भाई पर, मैं पीछे पैर नहीं हटाऊँगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, रस्ते हंसते शहीद हो जाऊँगा। फिर भाई उसकी बेबे थी छोटी, उसके लिए गुड़िया के लिए दो बोल क्या लिखिए, बोले रे सारी जिम्मेवारी तेरे पे छोटे भाई, तने बस मेरी बहन का ख्याल रखना है, और जित भी जरूरत हो उसने मेरी तने सबसे पहले अपनी बहन का सम्मान करना है, और जब भी मेरी याद आवे और वह रोवे तो उसने चुप करा दिए, और रक्षाबंधन आवे रे मेरे नाम की राखी तू अपनी कलाई पर बंधवा दिए, और मानू उससे घना दूर हो गया मेरी याद उसने घनी रोवावेगी, पर एक बात कह दिए मेरी छोटी बहन ने, जय को उसके नाडा लिखा गया ना अपने भाई ने अपने आगे अपने भाई ने अपने ताग खड़े पाओगी भाई। उसकी जो पत्नी थी भाई, जिसके सिर्फ 4 ही दिन हुए थे शादी को, उसके लिए क्या बोला समझने की बात है भाई, समझियो थोड़ा गौर करियो, क्योंकि अर्धांगनी पत्नी को बोलते हैं, क्योंकि वह अपने मर्द के आधे हिस्से का हिस्सेदार होती है, तो उसके लिए क्या है, बोला रहा है आखिरी सांस चलाए मेरी अर्धांगनी,
आखिरी सांस चले मेरी अर्धांगनी, आज मैं तेरे तक कुछ कह रहा हूँ, अरे बेरा है घना मुश्किल है देना, पर फिर भी मैं करड़ी छाती करके तेरे तक कह रहा हूँ। अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा लगाना, अरे हाथा में चूड़ी पैरा में मेहंदी लगाइए, और तू भी दुआ कोनिया मेरी जान, एक अमर बलिदान फौजी की अर्धांगनी है, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताइए, खुशी खुशी बिताइए।